नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। अभी सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। मेरे चैनल को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अगर आज की भी पोस्ट, आज का भी ये विषय टॉपिक आपको पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए नहीं कि मुझे फेमस होना है, इसलिए कि लोगों का भला हो सके, वो भी निःशुल्क। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। आज के इस विषय पर हम बात करेंगे पीपल के पेड़ की। कई लोग पीपल के पेड़ से डरते हैं, कई लोगों का पीपल के पेड़ के लिए ये कहना है उसमें भूत पिशाच रहते हैं, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। वहीं पर कई लोगों को मैंने देखा कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात है, आपके ऑफिस में, आपके घर में कहीं पर भी पीपल का पेड़ लगा हो तो उसे काटने के लिए कभी भी कोई आके नहीं आता। आखिर क्यों? क्या सच में पीपल का पेड़ काटने से कोई नुकसान होता है या ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं, या पीपल के पेड़ से कोई लाभ भी होता है? तमाम तरह के सवालों के जवाब सीधा सटीक अगले 5-10 मिनट में आपको यहाँ मिलेंगे। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी माँ की बहन रहती है जिसका नाम है आलक्ष्मी। दरिद्रता, गरीबी, हुआ ये कि उनकी शादी एक ऋषि से कर दी गई। जब ऋषि ने देखा ये तो बड़ी गंदी है, साफ़ सफाई से नहीं रहती, और इसके आने से मेरे घर के दिए बुझ गए, चारों तरफ जो है हाहाकार मच गई, मेरा दिवालिया निकल गया, उन्होंने सोचा इसके साथ तो मैं रह नहीं सकता। क्योंकि जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा मुझसे विवाह करो, जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली, तो भाई ये बात हुई कि उसके लक्ष्मी आई है, सुख आया तो दुख भी आएगा, आदरिद्रता भी आई, मतलब कि उनकी बहन, गरीबी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आपसे शादी कर लूँगी, पर मेरी एक शर्त है कि पहले मेरी बहन बड़ी है उसकी शादी करवाओ, तब मैं आपसे शादी करूँगा। भगवान विष्णु परेशान, भगवान विष्णु ने एक ऋषि जी जो ऋषि थे उनको बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने कहा आप इनसे शादी कर लो, लक्ष्मी की बहन है। उन्होंने बड़े खुश, बड़ी पूजा पाठ हवन उनके आश्रम में हुआ करता था, गायों की गौ की रक्षा की जाती थी। अब जैसे ही उन्होंने जो है आलक्ष्मी से शादी करी, गरीबी चारों तरफ जो है आ गई, बीमारी आ गई, रोग आ गए, अंधेरा हो गया, दिए बुझ गए, हवन नहीं हो पाए, सारे ऋषि जो थे वो आश्रम को छोड़कर चले गए। ऋषि की समझ में आ गया कि ये मनहूस है और इसके साथ मेरा जीवन नहीं चल सकता। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा चलो घूमने चलते हैं, और घूमते घूमते वो उन्हें जंगल की तरफ ले गए। एक पीपल के पेड़ के पास बैठे और बोले तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुरंत लौट के आता हूँ। भाई आज के ज़माने का हिसाब किताब नहीं था ना तब, तब अगर पति कह देता था तो वो देवता के बराबर होता था कि यहाँ बैठो, तो पत्नी वहीं बैठ जाती थी और उसका वहीं बैठ इंतज़ार करती थी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन वो वापस नहीं आए, और पत्नी थी वहीं बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे उनका इंतज़ार करती रही कि अब करें तो करें क्या, भाई मेरे पति तो वापस नहीं आए। अब वो रोने लगी, जब रोने लगी तो वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी माँ को अपनी बहन की रोने की आवाज़ आई। वो सो नहीं पाती थी, वो कहती थी मेरी बहन परेशान है, वो रो रही है, तुम चलो। अब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पहुँचे जंगल में, उस पेड़ के पास। सारा रुदान सुना, लक्ष्मी माँ ने सारा भंटा फोड़ दिया भगवान विष्णु पर, तुमने ये पुरुष ढूंढा था, तुमने सब अच्छा किया था, इसीलिए कहती हूँ कभी शादीराम घर जोड़े मत बनो, किसी की बेटी के रिश्ते की बात कभी मत करो। बेटी सुखी होगी तो एक कॉल नहीं आएगा कि आपने भला किया, लेकिन दुखी होगी तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा, जैसे भगवान विष्णु पर आ गया। अब वो रोने लगी, उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरी बहन से शादी करो, इसके लिए कोई वर ढूंढो, इसके पति को वापस लाओ। अब ये तो संभव ही नहीं था, ऋषि तो भाग चुके थे, अब करें तो क्या करें। भगवान विष्णु ने कहा ये पीपल का पेड़ है, जड़ है, और पेड़ों में मैं पीपल के बराबर हूँ, ये तो वो गीता में ही कह चुके थे। आप इसके अंदर वास करो और आपकी सुहागने पूजा करेंगी, आपके ऊपर सभी सुहाग की चीज़ें अर्पण करेंगी और आपको लाभ होगा। इतना ही नहीं, जो तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसके घर में कभी भी दरिद्रता, गरीबी नहीं होगी, और मैं और लक्ष्मी स्वयं हर शनिवार सुबह 4 बजे से लेके इतवार के सुबह 4 बजे तक इस पेड़ में वास करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा करना, परिक्रमा करना, उसे छूना, उसके पत्तों को तोड़कर तिजोरी में रखने का जो खास महत्व है वो शनिवार सुबह 4 बजे से है, क्योंकि शनिवार सुबह 4 बजे से संडे सुबह 4 बजे तक भगवान उस पर बैठते हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ और वरदान देते हैं। आप पीपल के पेड़ की पूजा रोज करो, उस पर जल अर्पण रोज करो, लेकिन वो गरीबी का कारक है। हमारे पितृ जो हमारी आत्माएं भटकती रहती हैं उस पेड़ पर जाकर बैठती हैं, उसे केवल शनिवार वाले दिन ही छूना चाहिए, इसके सिवा उसे कभी नहीं छूना चाहिए। आप दिया जलाइए, आप परिक्रमा कीजिए, आप पानी अर्पण कीजिए, लेकिन अगर आपको उसको टच करना है, उसके पत्तों को तोड़ना है, तो वो केवल एक दिन है, शनिवार का दिन, क्योंकि अगर आप शनिवार वाले दिन उसे छूते हैं तो आप स्वयं साक्षात किसको छूते हैं, लक्ष्मी और विष्णु को। आप उस पर सुहाग की चीज़ें अर्पण कीजिए, से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होंगी और आपके घर धन धान्य बढ़ेगा। शनिवार वाले दिन अगर व्यापारी पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल, उसमें चीनी, उसमें गुड़, उसमें एक बूंद सरसों का तेल और कुछ तिल डालकर अर्पण करता है और पत्ते तोड़कर लाकर अपने गले में रखता है, अपनी सीट की जिस गद्दी पर वो बैठता है उस पर रखता है और उस पर बैठता है, तो उसके घर में धन की वर्षा होती है और कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन इसके सिवा ये उपाय कभी ना करें।
पीपल के पेड़ के पत्तों को तोड़ने का उपाय पितरों में श्राद्ध पक्ष में भी कभी नहीं करना चाहिए। संडे वाले दिन पीपल के पेड़ को छूने से पाप लगता है और पाप लगने के साथ साथ गरीबी बढ़ती है। तो जिस तरह से संडे को तुलसी को छुआ नहीं जाता, उसी तरह से पीपल और बरगद के पेड़ को भी संडे वाले दिन छुआ नहीं जाता। इस बात का आप खासा ध्यान रखें। पीपल के पेड़ पर शनिवार वाले दिन दिया जलाने से, सफ़ेद रंग का झंडा लगाने से लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। झंडा खासकर वो लोग लगाएं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके घर में शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, तो अपने शत्रुओं का नाम लेके जितने शत्रु हैं उतने नींबू पीपल के पेड़ पर छोड़कर परिक्रमा कर कर आएँ कि आज अपने शत्रुओं को मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, इनसे मेरा छुटकारा दिलाओ। आप एक नारियल ले लें, सूखा गोला ले लें, उसके अंदर सूजी भरें, सूजी घी काले तिल मिक्स कर भून लें देसी घी के अंदर, और उस गोले में भरकर पीपल के पेड़ की जड़ को उखाड़ कर थोड़ा गड्ढा कर उसमें दबा दें। ये उपाय 24 घंटे का उपाय है। ऐसा करने से शनि से आपको मुक्ति मिलती है। अगर शनि आपको तंग कर रहे हो या परेशान कर रहे हो या आपकी 7.5 सती चल रही हो या आप किसी भी कष्ट में हो, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। पीपल के पेड़ पर शनि देव की मूर्ति हो और उस पर आप तेल अर्पण करें तो कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्रों से आपको छुटकारा मिल सकता है। पीपल के पेड़ पर चारों तरफ ईंटें और सीमेंट लगाने से आपका घर जल्दी बनता है। या ऐसी जगह हो जहां पर ईंटें और सीमेंट तो लगा हो तो आप टाइलें लगवा दीजिए, लेकिन उस पर गलती से भी अपना नाम अंकित मत करवाइए जैसे पुराने ज़माने के लोग कर देते थे, प्रस्तुत बाय ये दिया गया है। हमें कोई जो है बहुत बड़ा अपने ऊपर तबका नहीं लगाना कि कार्य हमारे द्वारा किया गया है, ये पुण्य का कार्य है, गुप्त दान है, गुप्त रूप से कीजिए तो बेहतर होगा। पीपल के पेड़ के आसपास और भी पीपल के पेड़ लगाने से भला होता है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि पीपल का पेड़ तोड़ने से क्यों लोग डरते हैं। गीता के अंदर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पीपल का पेड़ कटवाता है तो एक साल के अंदर, एक वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे शास्त्रों में लिखा है ये बात। तो आप कभी पीपल का पेड़ ना कटवाएं। अगर वो आपको कष्ट दे रहा है और उसको कटवाना है तो बाकायदा पंडित आएंगे, उसकी पूजा की जाएगी, शांति की जाएगी, और उसके एवरेज में 108 पेड़ पहले पीपल के आप लगाएंगे, उसके बाद पीपल का पेड़ आप कटवाएंगे, ये नियम है। इसलिए अगर पीपल से भी घर में हो जाता है तो सोच समझ कर कार्य करें। और अपने जन्मदिन एनिवर्सरी पर अगर आप पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा लगवाएं तो ये भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, इससे आपका भला हो सकता है। तो ये थी पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई जानकारी। लेकिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाते हुए मैंने लोगों को अक्सर देखा है, लेकिन कार्तिक के महीने में आपको घी का दिया पीपल के पेड़ पर जलाना चाहिए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। फिर आपके लिए लेकर आऊँगी कुछ खास और नया। जय माता दी।